क्या आपको पता है मोबाइल फोन के अंदर नया बड़ा फीचर यहाँ पे कौन सा हो सकता है, यानी कि कैसा फीचर जो शायद 2024 में अपनी एक अलग जगह बना सकता है। और हाँ, यहाँ पर मैं 1000 मेगापिक्सल के कैमरे की नहीं कर रहा हूँ, ना ही 500 वॉट की चार्जिंग की कर रहा हूँ, और ना ही 5000 निट्स की ब्राइटनेस वाले डिस्प्ले की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में सुना होगा, लेकिन मोबाइल फोन में कैसे इम्प्लीमेंट होने वाली है ना, इसके बारे में बहुत लोगों को आइडिया भी नहीं है। और यहाँ पे मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ पता है, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। लेकिन अब आप ये बोलोगे यार, AI मोबाइल फोन में कब से आ रही है? हमारी फोटोग्राफ अच्छी कर सकती थी, पीछे से बैकग्राउंड रिमूवल कर सकती है, ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकती है, वॉइस आइडेंटिफाई कर सकती है, अलग अलग लैंग्वेजेस को पहचान सकती है, और मोबाइल फोन की बैटरी संभालने से लेके बहुत सारे काम कर सकती है, यहाँ तक कि गेम खेलने में भी हेल्प कर सकती है। और ये सब चीजें मोबाइल फोन में देख रहे थे। वेल, जो अभी हम मोबाइल फोन में देख रहे थे ना, वो AI का जो हिस्सा है ना, वो ऊपर ऊपर से, यानी कि 2023 में जो AI का जो एरा आया है ना, यहाँ पे हम बात करते हैं ChatGPT की, जो आपके सवालों के आंसर दे सकती है। यहाँ पे बात करते हैं इमेज क्रिएशन के, कि आपने टेक्स्ट लिख कर दे दिया, आपको इमेज यहाँ पर देखने को मिल गई, और भी ऐसे बहुत सारी AI है जो आपको ऑलरेडी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल आता है, ये AI मोबाइल फोन में कब आएगी? मतलब यहाँ पे मैं एज एन ऐप यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि मोबाइल फोन में एक ऐप डाल दी, वो ऐप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आपकी सारी चीजें कर देगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि मान लो मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी AI यहाँ पे काम करेगी, और ये कुछ हो सकता है 2024 के फोन में। सबसे पहले बात करने वाले क्वालकॉम की, कि क्वालकॉम बहुत तेजी से यहाँ पर लगी हुई है। क्या आप लोगों को पता है कि क्वालकॉम ने कुछ समय पहले अपने एक मोबाइल फोन के अंदर डेमो दिया था इमेज क्रिएशन का, जहाँ पे पहली बार मोबाइल फोन तो इंटरनेट से कनेक्टेड था भी नहीं, और उससे उन्होंने इमेज क्रिएट करवाई थी, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के, और 15 सेकंड्स के अंदर उसने इमेज का आउटपुट दे दिया। और पता, उस फोन में जो प्रोसेसर था वो था स्नैपड्रैगन 8 Gen 2। यस, यानी कि वो प्रोसेसर भी इस कैपेबल है आज के समय में कि अगर बिना इंटरनेट के अगर उससे इमेज जनरेट करवाई जाए, वो चीज पॉसिबल है। लेकिन जो अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वाले फोन्स आएंगे ना, उसमें तो एक लेवल और जाने वाले, यानी कि इमेज चीज तो यहाँ पे क्रिएट कर ही लेंगे, लेकिन ChatGPT जैसे आंसर देना, AI का इंटीग्रेशन, वो भी बिना इंटरनेट के, ये मोबाइल फोन में पॉसिबल हो तो, जैसे कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ChatGPT का, वैसे मेटा कंपनी ने भी अपना LLAMA2 AI बनाई थी, जिसका बेनिफिट यहाँ पर ये था कि वो ओपन सोर्स है, और वो भी ChatGPT जैसे काम करता है, और जिसे मोबाइल फोन के अंदर इंटीग्रेट करके आप वैसे फीचर्स को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हो, और उसे इंटरनेट कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही एक एडवांस लेवल की चीज थी, और ये चीज अगर मोबाइल फोन्स में अगर यहाँ पर आती है तो डेफिनेटली काफी बड़ा फीचर होगा। मतलब कि आप कहीं भी जाके कोई भी आंसर क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और भी तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज इस साल नहीं आने वाली, ये चीज 2024 में आएगी। लेकिन एक सवाल आता है कि क्वालकॉम इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करेगी कंपनी से? क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि क्वालकॉम बहुत सारे फीचर लाता है, लेकिन मोबाइल फोन की जो कंपनीज होती है ना, अपने हर उस फीचर को यहाँ पे इनेबल नहीं करती, कई बार अपना खुद का ही अलग से इम्प्लीमेंटेशन लाती है। और यही बात है यहाँ पे, क्वालकॉम से बात करें तो यहाँ पे इन्फिनिक्स जैसी कंपनी ने भी ChatGPT की कंपनी OpenAI के साथ पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है, जिसके अंदर अपना खुद का वर्चुअल AI असिस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करने वाले, जो कि ChatGPT के ऊपर काम करेगा। हालांकि वो इंटरनेट पे बेस्ड होगा, लेकिन देख के काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि इन्फिनिक्स जैसी कंपनी भी यहाँ पे काम कर रही है यहाँ पे AI के अंदर। खैर, इन्फिनिक्स तो बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन एंड्रॉइड से आगे बढ़ के अगर एप्पल की बात करूं, एप्पल का क्या प्लान है? क्योंकि भले ही यहाँ पे क्वालकॉम अच्छा काम कर ले, एंड्रॉइड में गूगल अपना बार्ड बना ले, लेकिन एप्पल ही एक ऐसी कंपनी बचती है जिसने AI के बारे में ज्यादा बात यहाँ पर करी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में से एक है, लेकिन जब मार्केट में इतनी सारी चीजें हो रही है तो एप्पल क्यों शांत बैठेगा? और सुनने में आया कि एप्पल अगले साल अपना iOS के अंदर एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर सकता है, और शायद वो बिल्कुल ChatGPT जैसा। इंटरनली लीक्स वगैरह से पता चला है कि उसका नाम Apple GPT हो सकता है, जो सीरी के साथ इंटीग्रेट होगा। अब देखने वाली बात है, ये फीचर iPhone के अंदर डायरेक्टली काम करता है या फिर इसको इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरत पड़ती है। खैर, एप्पल की बात यहाँ पे कर ली, इसके साथ ही बात कर तो बाकी फोन कंपनीज भी लगी हुई है, जैसे सैमसंग की बात करें, वो भी अपने खुद की AI पे काम कर रही है। मतलब देखो, अगर सैमसंग अपना बिक्स भी प्रमोट कर सकती है तो अपनी खुद की AI भी बना सकती है। यहाँ तक कि आपको बता सकता हूँ कि सैमसंग वाले इसका यूज एनहेंस्ड सिक्योरिटी के लिए भी कर रहे हैं, यानी कि प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए, ताकि AI का यूज करके आपकी इन्फॉर्मेशन को मोबाइल फोन के अंदर सेफ रखा जा सके, और जो अटैकर्स होते वो आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए, जो कि काफी अच्छी चीज है यहाँ पे। और इस तरीके से नए नए AI टूल्स को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। देखा जाए तो काफी सारी कंपनीज इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है, और मैं आपको बता सकता हूँ 2024 में जो सबसे बड़ा बजवर्ड होगा ना मोबाइल फोन इंडस्ट्री में,
वो AI होगा। हर एक कंपनी इस फीचर को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी। खैर कुछ डिस्क्लेमर भी दे सकता हूँ यहाँ पे मैं आपको। सबसे पहले तो ये फीचर एंड्रॉइड फोन्स के अंदर ही आएगा, वो ऊपर से एंड्रॉइड के अंदर जो फ्लैगशिप लेवल के फोन है उनमें ही देखने को मिलेगा, और उसमें से भी कुछ ही कंपनी इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगी और ये देखेंगी कि अगर मार्केट में अगर किसी को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो बाकी सारी कंपनीज भी इसके ऊपर कूदेंगी। ऊपर से आपका BBK और Xiaomi ग्रुप है, ये लोग भी हो सकता है अपना खुद का वर्जन यहाँ पे क्रिएट करें, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि उनका वर्जन यहाँ पे क्या रहता है। लेकिन हाँ, जो AI का यूज अब हम देख रहे हैं ना, वो काफी हद तक डीपली इंटीग्रेट होने वाला है मोबाइल फोन्स में। हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ चीज देखी कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स में इस चीज को डाल दिया, और तो आने वाले समय में गूगल का भी प्लान है कि कैसे गूगल बार्ड को हर जगह यहाँ पे पहुंचाया जाए। लेकिन देखने वाली बात है कि एग्जैक्टली भी जो AI जो मोबाइल फोन के अंदर रहती है वो कब आपको देखने को मिलती है और कितनी एफिशिएंट होती है और कितनी एडवांस होती है। बाय द वे, आप लोग क्या लग सकते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है 2024 के फोन्स में, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलो। थैंक यू, कोई देखने के लिए मैं आप सुन रहा हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।